आज है बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल का दूसरा लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में अपन ने जो वीट कंट्रोल्स है बायोलॉजिकल का, उसमें कौन कौन सा उसका मेरिट्स है, कौन सा डीमेरिट्स है, कौन सा बायोजेंस का क्या क्वालिटी है, ये अपन पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो आज है कि कौन कौन से हैं जो वीट कंट्रोल में हेल्प करते हैं, बायोजेंट्स हैं जो वीट कंट्रोल में हेल्प करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है बायो एजेंट्स के रूप में या जो वीट कंट्रोल को हेल्प कर सके। तो पहले है जो बायो एजेंट्स हैं जो वीट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और वो इंसेक्ट्स हैं। तो पहला इंसेक्ट है काप्टोब्लास्टिस काप्टोरम, काप्टोब्लास्टिस काप्टोरम जो अपेंटिया स्पीसीज है, जो अपेंटिया को जितना भी इसके अंदर बहुत सारा बीट्स आता है अपेंटिया जीनस का, जो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो काप्टोब्लास्टिस काप्टोरम है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है और ये बीट्स हैं, ये इंसेक्ट हैं और ये बीट्स हैं जो हेल्प करते हैं उसको कंट्रोल करने में अपेंटिया स्पीसीज के। दूसरा इंसेक्ट है क्रोसिडोसेमा लेंटाना, क्रोसिडोसेमा लेंटाना है जो लेंटाना कैमारा बीट्स है, ये बहुत ही फेमस बीट्स है, जो इसके कंट्रोल करने के लिए इस इंसेक्ट को इंपोर्ट किया गया था क्रोसिडोसेमा लेंटाना का, क्रोसिडोसेमा लेंटाना जिसको कॉमनली लेंटाना बग के नाम से भी जानते हैं, जो ये लेंटाना बग है जो इस लेंटाना कैमारा के प्रत्येक पार्ट को ये फीड कर सकता है, लाइक एज ए लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, इन सभी के पार्ट्स को ये डैमेज कर सकता है, उसको फीड कर सकता है। फिर है मेलानोग्रोमाइजा कस्क्यूटी, जो कस्क्यूटा है जनरली इसको अमरबेल के नाम से जानते हैं, कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा बीट्स है, कस्क्यूटा बीट्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट है जिसको मेलानोग्रोमाइजा कस्क्यूटी के नाम से जानते हैं। मेलानोग्रोमाइजा कस्क्यूटी कंट्रोल करता है कस्क्यूटा के जितना भी कस्क्यूटा स्पीसीज में जितना टाइप्स का भी बीट्स आता है, जितना टाइप्स का कस्क्यूटा आता है उन सभी को कंट्रोल करता है। फिर है बैक्ट्रा बेरुटाना, बैक्ट्रा बेरुटाना है जो साइप्रस रोटेंडस, ये ग्रास है साइप्रस रोटेंडस, जिसमें साइप्रस रोटेंडस या बीट्स है साइप्रस रोटेंडस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसको बैक्ट्रा बेरुटाना के नाम से जानते हैं। बैक्ट्रा बेरुटाना जो साइप्रस रोटेंडस बीट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर है अल्टिका साइनानिया, अल्टिका साइनानिया है जो लिडविजिया पार्विफ्लोरा बीट्स है इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अल्टिका साइनानिया, अल्टिका साइनानिया लुडविजिया पार्विफ्लोरा, पार्विफ्लोरा लुडविजिया पार्विफ्लोरा बीट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अल्टिका साइनानिया लुडविजिया पार्विफ्लोरा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये आपके इंसेक्ट्स हैं जो बीट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर है ये कुछ बायो कमर्शियलाइज बायो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको कमर्शियलाइज किया जाता है, और बायोजेंट्स हैं जिन जो माइको हर्बिसाइड के नाम से भी इनको हम कह सकते हैं, जिनको माइको हर्बिसाइड्स के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। माइको हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो फंगस के बने होते हैं, ऐसे टाइप्स के हर्बिसाइड्स हैं जो फंगस से तैयार किए जाते हैं, उनका सस्पेंशन से तैयार किए जाते हैं, वो अगर वीट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं तो वो माइको हर्बिसाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो माइको हर्बिसाइड्स हैं जो कुछ हैं जो अवेलेबल हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कमर्शियलाइज प्रोडक्ट हैं। पहला है डिवाइन, डिवाइन है, डिवाइन में एक लिक्विड सस्पेंशन बनाया जाता है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा का, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, फाइटोप्थोरा स्पीसीज है जो किसी भी प्लांट के बीड को उसको उसमें डिजीज उत्पन्न कर देता है, और उसमें इरेगुलर शेप के पैच बन जाते हैं, और धीरे धीरे लीव्स है वो सूखने लगता है, और सूखने के जैसे ही ड्राई सूखने लगता है इसके बाद वो लीव्स से क्लोरोफिल का प्रोसेस नहीं होता है और फूड मटेरियल्स नहीं बन पाता है, जिसके कारण प्लांट वीक हो जाता है, आफ्टर देन डेड हो जाता है। तो ये है लिक्विड सस्पेंशन बनाया जाता है फाइटोप्थोरा पाल्मिवेरा, ये फंगस है, फंगस है जिसको फंगल
स्पोर तैयार किए जाते हैं और फंगल स्पोर से ही लिक्विड सस्पेंशन बनाया जाता है फाइटोप्थोरा पाल्मीबोरा, जिसको मोरेनिया ओडोराटा, मोरेनिया ओडोराटा ये आपका बीट्स है, मोरेनिया ओडोराटा ये आपका बीट्स है, मोरेनिया ओडोराटा, मोरेनिया ओडोराटा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और उसका प्रोडक्ट और कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको हम डिवाइन के नाम से जानते हैं। फिर है कलेगो, कलेगो क्या होता है, कलेगो भी इसमें भी फंगल स्पोर्स से तैयार किया जाता है और फंगल स्पोर्स में भी लिक्विड का सस्पेंशन बनाया जाता है और जिसकी स्पेसीज है कोलेट्रोट्राइकम ग्लोइस्पोराइड्स, 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 कोलेट्रोट्राइकम ग्लोइस्पोराइड्स है जो फंगल, जो कोलेट्रोट्राइकम जीनस है फंगल्स है, ये क्या करता है, ये किसी भी बीड्स के स्टेम स्टेम में एक अजीब टाइप का सड़न पैदा होने लगती है और इसका जो टिश्यू होता है टिश्यू को डायरेक्टली अटैक करता है और डैमेज होने लगता है और इसके जो इंटरनली टिश्यू है इसमें रेड और ब्राउन कलर के पैच टाइप के बनने लगते हैं। जो है एस्क्योमोन्स बेरिंगनिका, ये बीट्स है, इस बीट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एस्क्योमोन बेरिंगनिका, इसका कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको कोलेगो के नाम जानते हैं, जो कमर्शियल फंगल सस्पेंशन से तैयार किया जाता है जिसको कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोराइड्स बोलते हैं। तीसरा कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको बायोपोलारिस के नाम से जानते हैं, बायोपोलारिस है, बायोपोलारिस ये भी फंगल सी है जो फंगल स्पोर से तैयार किया जाता है जिसको बायोपोलारिस स्वर्गिकोला के नाम से जानते हैं। मोस्टली स्वर्गम और बार्ले ऐसे टाइप्स के कुछ सीरियल स्क्रापे होती हैं उसमें कुछ बीट्स हैं जो आ जाते हैं, जैसे एक बीट्स है मेजर बीट्स है जिसमें जॉनसन ग्रास के नाम से जानते हैं, जॉनसन ग्रास है जो सोरघम की क्राप में मोस्टली लगता है, जॉनसन ग्रास है जिसको सोरघम लेलिपेंसी बोलते हैं, लेलिपेंसी सोरघम लेलिपेंसी इसका साइंटिफिक नेम है, सोरगम लेलिपेंसी को कंट्रोल करने के लिए बायोपोलारिस सोर्गी कोला फंगल स्पोर्स से बना सस्पेंशन तैयार किया जाता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है बायोपोलारिस के नाम से, बायोपोलारिस को स्प्रे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये बायोपोलारिस है, बायोपोलारिस सोरगम की लिप्स को अटैक करता है, लिप्स में येलोपन आ जाता है और इसके बाद वो ब्राउन पैच बन जाते हैं और धीरे धीरे सूखने लगता है। अगला है बायलोफॉस, बायलोफॉस है जो बैक्टीरिया के सस्पेंशन से तैयार किया जाता है और इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस के नाम से जानते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस जिसका कमर्शियल प्रोडक्ट है बायलोफॉस, बायलोफॉस को कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको कंट्रोल करने में ये एक ऐसा बैक्टीरियासाइड है जिसने यानी ऐसा बीडीसाइड्स है, ऐसा बीडीसाइड्स है जो बैक्टीरिया से तैयार किया गया है और इस बीडीसाइड्स में लगभग मोस्टली जो बीड्स होते हैं उन बीड्स को कंट्रोल करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी ये नॉन स्पेसिफिक है किसी भी तरीके के मोस्टली बीड्स को कंट्रोल करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये है जो कुछ एग्जांपल हैं इंसेक्ट्स के और कुछ एग्जांपल हैं जो बायो प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियल जिनका प्रोडक्ट बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। तो ये है जो बायोलॉजिकल बीट कंट्रोल का कंप्लीट लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।